ये सिरसा साहब, आपने दिलीप पांडे को सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू का 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है सरकार को, तो घोटाला कैसे हो गया, सरकार को चूना नहीं लगाया जा रहा। एलजी साहब में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि भाई सरकार को नुकसान हो रहा है, तो फिर ये कैसा हो रहा है। दूसरा, सिंगापुर जाने को लेकर भी विवाद है, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में भी सरकार बना ली, दिल्ली में भी पछाड़ दिया और अब हिमाचल प्रदेश की भी बारी है, वहां भी जीतेंगे, इसलिए बीजेपी जो है वो खुंदक निकाल रही है, क्या जवाब? देखिए, जब भी वो हम सवाल करेंगे, सवाल का यादव जी वो जवाब नहीं देते कभी भी, वो इधर उधर बातें लेके। मैंने तो बड़ी स्पष्ट से बातें की, मैंने पॉलिसी के ऊपर कहा कि फ्रॉड कहाँ हुआ, गलत काम क्या किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं अगली बात अब कहता हूँ, खाओ गली को 30 करोड़ रुपये वापस किया गया, 30 करोड़, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, 30 करोड़ रुपया खाओ गली को वापस दे दिया, जो कि उसका फॉरफिटेड अमाउंट था, उसको वापस नहीं मिल सकता था। 140 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया, जिससे दिल्ली के 14 लाख परिवारों को शिक्षा दी जा सकती थी, उनके घरों में पैसा भेजा जाता, 144 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पूंजीपति दोस्तों को माफी कर दिया, माफी कर दिया उनको, बोले हमने आपसे लेना ही नहीं है। हाँ। अगर अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त इतने दयावान हैं, ये सारा काम पहले सरकार करती थी, आपको याद रखना होगा, जो इन पूंजीपतियों को लाके दिल्ली में काम किया है, ये सारा काम पहले सरकार करती थी, सारी पैसा सरकार को कमाई आती थी। अब सरकार को 1300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, पहले 6300 करोड़ रुपया पिछले साल आया था, इस साल 20% बढ़ना था, हर साल एक्साइज 20% रेवेन्यू बढ़ता है, पिछले 20-30 साल का निकाल कर देख लें, हर स्टेट में बढ़ता है। हाँ। तो अगर 6300 करोड़ था, तो इस साल कम से कम 7200-7300 करोड़ रुपया आना था, उसकी जब अभी तक 5500 करोड़ रुपया आया है, 32 जोन जो उन्होंने बेचे थे उनमें से 10 जोन वापिस हो गए हैं, तो केवल 22 जोन का ही पैसा आया है, और अगर 22 जोन का पैसा आया तो 5500 करोड़ रुपया है। वो ठीक है पांडे जी, मेरे को दोष लगाए किसी को, ये तो सच्चाई, मैं जो सवाल करूं इनका में से किसी एक का जवाब दे दे, किसी एक का जवाब दे, जवाब दे दिलीप पांडे की बातें ना सुनूंगी अब मैं, तसल्ली से दिलीप पांडे आपको सुनूंगी, काम क्यों दिया इसका जवाब दे, ठीक है बताइए, जवाब दीजिए, पूंजीपति दोस्त है ये, तो आप मोदी पर आरोप लगाते हैं, अभी आरोप तो उल्टा आप पे लग रहा है। मैं जवाब देता हूं शोभना जी। हाँ। हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनके टक्कर में कोई भी खड़ा हो। मैं आता हूं एग्जैक्टली पिन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इनकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं छोटी सी क्रोनोलॉजी आपको सुनाना चाहता हूं, वो क्रोनोलॉजी आप समझिए, ये लोग बड़ा क्रोनोलॉजी में यकीन रखने वाले लोग हैं। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कम 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए, कोर्ट तक ने उनको, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई कि ये मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, जेल में डाला, वो सारे के सारे छूट गए, इन्होंने कीचड़ उठाला हमारे ऊपर, जनता फिर भी नहीं मानी, उन्होंने माना कि आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। इसके बाद क्या किया उन्होंने, जब हम पंजाब जीत गए, हिमाचल और गुजरात की बारी आई, तो उन्होंने जैन साहब को अरेस्ट कर लिया, फिर भी दिल्ली की जनता नहीं मानी कि ये लोग जो है इनके ईमानदारी में कहीं भी कोई दाग है, राजेंद्र नगर के बाई इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, वहां भी जब इनकी नहीं चली तो ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके फिर से कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, मकसद एक है, कीचड़ उछाल के ये कहना चाहते हैं कि जनता देख लो ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारी तरह बेईमान है, लेकिन जनता मानने को जाने को तैयार नहीं है, और सफलता का सिलसिला फिर पंजाब के बाद। सुन लिया क्रोनोलॉजी मैंने, सुन लिया, जवाब दे दीजिए जो सवाल आबकारी नीति को लेकर उठाए गए। अब बारी आती है इनके पॉइंटेड जवाब की। इन्होंने कहा जी फलाने के पैसे वापस कर दिए, बहुत हिसाब किताब रखा हुआ इन्होंने। पॉलिसी कहती है कि जिसको लाइसेंस मिल जाएगा उसका पैसा सरकार रखेगी, और जिसको नहीं मिलेगा उसको लौटा देगी। ठीक है, तो जिसको नहीं मिला उसका पैसा लौटा दिया, तो ये कह रहे हैं घोटाला है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये मन के लड्डू खा रहे तो फीके क्यों खा रहे। कुछ ही पहले दिल्ली में उन्होंने होर्डिंग लगवाया था, 13000 करोड़ रुपए ले लिए जी एमसीडी के, तो मन के लड्डू खा रहे तो फीके क्यों खा रहे। कह दीजिए 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, जैसे मोदी जी एनपीए माफ कर दे रहे हैं, जैसे मोदी जी के सपने में केजरीवाल जी आ रहे हैं, आप उसे घबरा के 12% बिचौलियों को दिया गया कमीशन, वो तो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 12% बिचौलियों को दिया जाएगा कमीशन, इसको लेकर क्या सफाई? शोभना जी बेस, मैं भाई कह रहा हूँ ना, जब कोई कहता है कौआ कान लेके गया तो कौए के पीछे नहीं भागते हैं, अपना कान देखते हैं, और दिल्ली की सरकार, हम सब इनको बताना चाहते हैं कि आप एक आदमी को जेल भेजो, 4 आदमी को जेल भेजो। अरे 12% कमीशन की बात कीजिए ना, मेरे पास वक्त कम है दिलीप पांडे, 12% कमीशन उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, 12% कमीशन बिचौलियों को। अरे कहाँ कागज, मुझे कागज दिखाइए भाई, आप कहने पे अगर मान लेंगी तो मैं कहता हूँ, मैं नहीं मान रही हूँ, मैं तो आपसे सफाई पूछ रही हूँ, ये रहा कागज, ये कागज देख लीजिए, पढ़ देता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, कह रहा हूँ,
मोदी जी ने ये कागज इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, दिलीप पांडे आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। पांडे जी आप इतना गुस्सा मत खाइए, मैं बता रहा हूँ, आप गुस्सा मत खाइए पांडे जी, आपका गुस्सा जायज है, आपकी चोरी जलेबी बना रहे हैं, सुन तो लीजिए पांडे जी, बेसी रुपए की जलेबी बना रहे हैं, इनके अंदर नाराज क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप, उन चुकी है केजरीवाल जी को उम्मीद के तौर पे दिख रही है, आप डरे हुए लग रहे हैं, कोई कागज पांडे जी डरे हुए तो आप लग रहे हैं, आप इतना घबरा कर आए हैं, सिरसा साहब कागज लिए हुए बैठे, आप दोनों शांत हो जाइए, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।